इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मुद्रा और बैंकिंग पार्ट से हम केंद्रीय तथा व्यापारिक बैंकों की अवधारणा तथा उनकी विशेषताएं आदि का अध्ययन करेंगे। केंद्रीय तथा व्यापारिक बैंकों की अवधारणा तथा विशेषताओं के अंतर्गत हम सबसे पहले व्यापारिक या व्यावसायिक बैंकों के कार्य का अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण रीतियां और अंत में केंद्र तथा व्यापारिक बैंकों में क्या क्या अंतर होता है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यापारिक या व्यावसायिक बैंकों के कार्य। जमा पर रुपए प्राप्त करना। व्यापारी बैंकों का मुख्य कार्य जनता की बचत को इकट्ठा करना होता है तथा उसे उन लोगों के लिए उपलब्ध कराना होता है जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। बैंक 5 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जैसे चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, गृह बचत खाता और अनिश्चितकालीन जमा खाता। ये 5 प्रकार के खाते हम व्यापारिक बैंक में खोल सकते हैं। इसके साथ बैंक ऋण भी देता है। तो व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को आवश्यकता के अनुसार ऋण भी देना होता है। बैंक 5 प्रकार के ऋण देता है, जैसे अग्रिम ऋण, नगद साख, अधिविकर्ष, बिलों का भुनाना और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। अग्रिम ऋण में जैसे आपका कार लोन हो गया, मकान लोन हो गया या शिक्षा लोन हो गया आदि हम बैंक से ले सकते हैं। और इसी प्रकार नगद साख, अधिविकर्ष, बिलों को भुनाना और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, मतलब सरकारी शेयर में निवेश करना, इन सब के लिए व्यापारिक बैंक हमें ऋण भी देता है। इसके बाद व्यापारिक बैंक मुद्रा का स्थानांतरण में सहयोग करता है, क्योंकि व्यापारिक बैंक की कई सारी शाखाएं होती हैं जो मुद्रा को एक देश से दूसरे देश में भेजने की सुविधाएं प्रदान करती हैं। चौथा हो गया विनिमय का सस्ता माध्यम। बैंक लोगों को सस्ते तथा सुविधाजनक विनिमय का माध्यम प्रदान करता है, जैसे चेक, नोट, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग आदि वर्तमान समय में बैंक अपने ग्राहकों को देता है। विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के आग्रह पर विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भी करते हैं। आंकड़ों का एकत्रित तथा प्रकाशन करना। व्यापारिक बैंक उद्योगों तथा व्यापार के विषय में आवश्यक जानकारी समय समय पर प्राप्त करते हैं और उन्हें प्रकाशित भी करते हैं। सरकार ये बैंक समाचार पत्रों में, टेलीविजन पे और इंटरनेट आदि जगहों पर देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उद्योग आदि के बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं तथा उसे प्रकाशित भी करते हैं। साख का निर्माण कार्य। व्यापारिक बैंक देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए साख का निर्माण करते हैं, अर्थात चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग आदि के माध्यम से ये साख का निर्माण करते हैं। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार का प्रबंध करना। व्यापारिक बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कई व्यापारिक संगठनों और फर्मों का अर्थ प्रबंध भी करते हैं, अर्थात जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं और देश के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं उनका आर्थिक प्रबंध भी व्यापारिक बैंक करते हैं। उनके लेन देन, उनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उनके पासपोर्ट आदि कार्य भी वो करते रहते हैं। इसके साथ अन्य उपयोगी कार्य। व्यापारिक बैंक अन्य उपयोगी कार्य तथा सेवाएं भी देते हैं, जैसे बहुमूल्य वस्तुओं का रखने की सुविधा देना, अपने ग्राहकों के लिए साख
प्रमाण पत्र जारी करना, विनिमय बिलों को स्वीकार करना, ट्रस्ट का प्रबंध करना, वित्तीय सलाह देना आदि जानकारी भी देना। तो जो व्यापारिक बैंक हैं वो ना केवल पैसे बल्कि अन्य कार्य की भी सेवाएं देते हैं, जैसे बहुमूल्य वस्तुएं हम बैंक में रख सकते हैं अपने गहने जेवरात, और इसी के साथ बैंक अपने ग्राहकों को साख प्रमाण पत्र भी जारी करता है, बिल स्वीकार करता है, कंपनियों के आयात निर्यात के बिल, ट्रस्ट का प्रबंध भी करता है और वित्तीय सलाह भी देता है। अभिकर्ता संबंधी कार्य, व्यापारिक बैंक अभिकर्ता संबंधी कार्य भी करता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं, बैंक अपने ग्राहकों द्वारा भेजे गए चेक, विनिमय पत्र, साख पत्र आदि का भुगतान करता है। अर्थात बैंक अपने ग्राहकों के द्वारा जो चेक दिए जाते हैं ग्राहकों के, और विनिमय पत्र या साख पत्र, कई प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सब बैंक अपने ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करता है। ग्राहकों के चेकों का भुगतान करता है, बीमा के प्रीमियम, कर, साख, चंदे, ऋण की किस्त आदि का भुगतान भी बैंक करता है। इसके साथ बैंक अपने ग्राहकों की ओर से लाभांश, ब्याज, किराया आदि का भी भुगतान करता है। ग्राहकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियां, कंपनियों के शेयर तथा ऋण आदि के क्रय विक्रय का कार्य भी व्यापारिक बैंक करता है। अपने ग्राहकों के लिए पासपोर्ट, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, पत्र व्यवहार, ट्रस्टी, संपत्ति के कार्य आदि भी व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। तो ये थे अभिकर्ता संबंधी कार्य जो व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जो देश की संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रण करता है। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति का निर्माता एवं संचालक भी होता है। यह दो प्रकार के कार्य संपन्न करता है, केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य और साधारण बैंक संबंधी कार्य। केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा निगमन का कार्य करता है। हमारे देश में पत्र मुद्रा का निगमन कार्य का अधिकार केवल रिजर्व बैंक को प्राप्त है। एक रुपये के नोट को छोड़कर या समस्त नोटों का निगमन कार्य अथवा निर्माण कार्य करता है। नोट निगमन के लिए इसे रुपये 2000 करोड़ का सोना या विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखना अनिवार्य होता है। अर्थात नोट निगमन के लिए रिजर्व बैंक को कम से कम 200 करोड़ का सोना या विदेशी शेयर अपने कोष में रखना अनिवार्य होता है। सरकारी बैंकरों के रूप में कार्य करना, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य की सरकारों के लिए भी कार्य करता है। यह इनके आदेशानुसार धन प्राप्त और भुगतान आदि भी करता है। सरकारी कोषों का हस्तांतरण, ऋण, विदेशी विनिमय का प्रबंध केंद्र तथा राज्य सरकारों को आर्थिक सलाह भी समय समय पर देता है। अर्थात यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुसार धन का भुगतान करता है, सरकारी कोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है, ऋण विदेशी विनिमय का प्रबंध भी करता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों को समय समय पर आर्थिक सलाह भी देता है। विनिमय दर को स्थिर रखना, भारतीय रिजर्व बैंक देश की विनिमय दर को स्थिर रखता है ताकि देश का आर्थिक विकास निरंतर बढ़ता रहे। अर्थात भारतीय रुपए को अन्य देशों की मुद्राओं में स्थिर रखता है। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है।
भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। वहाँ इन बैंकों की साख नियंत्रण नीतियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है। अर्थात जितने भी भारत में व्यापारिक बैंक हैं वो सारे के सारे बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में होते हैं और अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक उनको समय समय पर कर्ज या आर्थिक सहायता भी देता रहता है। साख को नियंत्रण करना। साख तथा मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा साख की मांग और उस पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात अगर बाजार में मुद्रा की मांग अधिक हो जाती है तो अधिक मात्रा में नोट जारी कर सकता है और अगर मुद्रा की मांग कम होती है तो उसकी पूर्ति कम कर देता है। इसके बाद है समाशोधन गृह का निर्माण कार्य करना। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक के समाशोधन गृह की सुविधाएं प्रदान करता है जिससे सदस्य बैंकों में रुपए स्थानांतरण की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाती है। अर्थात समाशोधन गृह का मतलब हो गया क्लियरेंस हाउस, जहां पर सारे बैंक अपने अपने ग्राहकों के चेक आदि को क्लियर करते हैं और ये सारी सुविधा रिजर्व बैंक अपने व्यापारिक बैंकों को देता है। कृषि साख की व्यवस्था करना। कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कृषि साख विभाग की स्थापना की है जिसका मुख्य कार्य कृषि साख से संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना होता है। अर्थात हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है तो वहाँ पर जितनी भी कृषि से संबंधित समस्याएं होती हैं भारतीय रिजर्व बैंक उनको हल करने का प्रयास करता है और कृषि से संबंधित जो भी साख सुविधाएं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलना, किसानों को क्रेडिट कार्ड देना, बीमा करना आदि सारी सुविधाओं की व्यवस्था RBI अपने व्यापारिक बैंकों के माध्यम से करता है। आंकड़ों का संग्रह तथा प्रकाशन। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा साख बैंकिंग वित्त कृषि औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करता है तथा उन्हें प्रकाशित भी करता है। ये आंकड़े देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन, समाचार पत्र, ऑनलाइन पब्लिकेशन में जितने भी हमारे जो RBI अपने व्यापारिक बैंकों की माध्यम से आंकड़े इकट्ठा करता है और कृषि उद्योग बैंकिंग से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं और उत्पादन होता है उनको प्रकाशित करता है और इन आंकड़ों से देश की जितनी भी आर्थिक समस्या होती है उसे समझने में सहायता मिलती है। साधारण बैंक संबंधी कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों एवं निजी व्यक्तियों की जमा तो स्वीकार करता है परंतु उस पर ब्याज नहीं देता। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारतीय रिजर्व बैंक का। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों से कम 1,00,000 रुपये के विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। अर्थात विदेशी विनिमय का मतलब हो गया विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिक से अधिक 15 महीनों की अवधि में परिपक्व होने वाले कृषि बिलों का क्रय विक्रय कर सकता है तथा उसमें पुनः कटौती भी कर सकता है। यह केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को अधिक से अधिक 90 दिनों की अवधि के लिए ऋण दे सकता है किंतु यह ऋण जमानत पर ही दिया जाता है। रिजर्व बैंक से कोई भी अनुसूचित या विदेशी बैंक 30 दिनों के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है। यह अनेक प्रकार
अन्य कार्य भी करता है, जैसे सोना चांदी, हीरा जवाहरात, प्रतिभूतियों को अपनी कस्टडी में रखना और बहुमूल्य धातुओं को खरीदना व बेचने का कार्य भी रिजर्व बैंक करता है। तो ये सारे जो उसकी विशेषताएं थे, ये साधारण बैंक संबंधी कार्य थे जो रिजर्व बैंक समय समय पर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की शाख नियंत्रण रीतियां। भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण एवं नियमन हेतु दो प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है, एक मात्रात्मक शाख नियंत्रण और दूसरा गुणात्मक शाख नियंत्रण। मात्रात्मक शाख नियंत्रण, बैंक दर में परिवर्तन। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण की सुविधाएं प्रदान करता है। जब देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तो बैंक दर में वृद्धि की जाती है, और जब मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है तो बैंक दर में कमी कर दी जाती है। यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार करता रहता है। इसके बाद है नगद कोष के अनुपात में परिवर्तन। भारतीय रिजर्व बैंक देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार नगद कोषों के अनुपात में परिवर्तन करता रहता है। वर्तमान समय में सभी अनुसूचित बैंकों के लिए अपनी कुल जमा रकम का 3% रिजर्व बैंक में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है, और इस राशि को 15% बढ़ाने का अधिकार रिजर्व बैंक को दे दिया गया है। अर्थात RBI के अंतर्गत जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं वो अपनी कुछ धनराशि रिजर्व बैंक में जमा करना उनको अनिवार्य है, और यह धनराशि 3% से लेकर 15% के बीच हो सकती है। खुले बाजार की क्रियाएं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से भी बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों, बिलों आदि का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे शाख का संकुचन होता है, और प्रतिभूतियों के खरीदे जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तथा शाख का विस्तार हो जाता है। इसे खुले बाजार की क्रिया कहते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक को ये अधिकार है कि वो बाजार से प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त कर सकें। वैधानिक तरल कोषानुपात। धारा 24 के अंतर्गत भारत में कार्य करने वाले बैंक अपनी कुल जमा राशि का कम से कम भाग तरल कोष के रूप में तथा शेष स्वर्ण या अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। RBI के दिशा निर्देश के अनुसार भारत में कार्य करने वाले जितने भी बैंक हैं वे अपनी जमा राशि का कम से कम कुछ भाग तरल रूप में अपने पास रखेंगे और कुछ भाग स्वर्ण या शेयर के रूप में अपने पास उनको रखना अनिवार्य होगा। गुणात्मक शाख नियंत्रण, इसमें पहला है चयनात्मक शाख नियंत्रण। रिजर्व बैंक देश में वस्तुओं की कीमत को अनुचित रूप से बढ़ने, वस्तुओं के जमाखोरी आदि को नियंत्रण करने के लिए चयनात्मक शाख नियंत्रण की नीति अपनाता है। इसके साथ साथ दूसरा प्रत्यक्ष कार्रवाई करना। रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार प्राप्त है, यदि कोई बैंक उसके आदेशों का पालन नहीं करता है तो वह उसका लाइसेंस रद्द कर देता है और उसे अपने तरीके से दंड देता है। तो ये थे गुणात्मक शाख नियंत्रण के उपाय जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में किए जाते हैं। अभी तक आपने केंद्रीय तथा व्यापारिक बैंकों के कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम केंद्रीय तथा व्यापारिक बैंकों में क्या अंतर होता है उनका अध्ययन विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले हम केंद्रीय बैंक की विशेषताएं देखते हैं। तो केंद्रीय बैंक का स्वामित्व और प्रबंध सरकार के द्वारा होता है। इसके विपरीत व्यापारिक बैंकों का जो प्रबंध होता है वो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के
के पास होता है जो उसको नियंत्रण करते हैं। केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार का सर्वोच्च बैंक होता है और व्यापारिक बैंक मुद्रा बाजार का केवल एक इकाई बैंक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक को नोट निगमन का एकाधिकार प्राप्त है, अर्थात देश में सभी नोटों का निर्माण करने का अधिकार केंद्रीय बैंक के पास होता है। इसके विपरीत व्यापारिक बैंकों को नोट निगमन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। केंद्रीय बैंक जनता के साथ इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इसके विपरीत व्यापारिक बैंकों का जनता के साथ सीधा लेन देन होता है। यह देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण होता है, अर्थात जितने भी हमारे देश में विदेशी मुद्रा का जो भंडारण होता है या उसका संरक्षण होता है, वो केवल केंद्रीय बैंक के पास होता है। देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण व्यापारिक बैंकों के पास नहीं होता। यह शाख नियंत्रण का कार्य करता है और आपका व्यापारिक बैंक शाख निर्माण का कार्य करता है। इसका उद्देश्य जन कल्याण तथा देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंध करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंशधारियों के लिए लाभ कमाना होता है, अर्थात जितने भी व्यापारिक बैंकों के ग्राहक होते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक किसी न किसी रूप में अधिक से अधिक मात्रा में लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। व्यापारिक बैंकों के कार्य का नियमन और निरीक्षण और नियंत्रण, ये सारे कार्य भारतीय केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यह किसी भी कार्य का नियमन निरीक्षण और नियंत्रण नहीं करता, अर्थात इस प्रकार के कार्य व्यापारिक बैंक नहीं कर सकता। इसको किसी प्रकार का इस प्रकार के कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जनता के साथ व्यापारिक केंद्रीय बैंक का कोई भी प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं होता है। इसके विपरीत व्यापारिक बैंकों का जनता के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, अर्थात जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से वो लेन देन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या क्या अंतर थे। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भारत का रिजर्व बैंक RBI बोला जाता है, और व्यापारिक बैंक वो बैंक होते हैं जो केंद्रीय बैंक के अधीन होते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पटियाला बैंक आदि। तो ये थे केंद्रीय तथा व्यापारिक बैंकों के अंतर। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ मेरे YouTube चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।